हे गेमर्स, तो सबसे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे साउथ कोरिया में एक तो बहुत ही बढ़िया लॉगिन इवेंट आया जिसमें आपको बहुत सारे प्रीमियम स्क्रैप्स मिलने वाले हैं। आपको पता है ये प्रीमियम क्रेट में बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम्स आते हैं, तो यहाँ पे आप प्रीमियम स्क्रैप्स आराम से इसको ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो जो इवेंट सेक्शन है ना, इवेंट सेक्शन में ये एक तो नया चीज़ आया, नया इवेंट। यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे किल्स करने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको बहुत सारे सामान भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखो मेरे को सारा सारा इवेंट शो कर रहा है। ठीक है, अगर आपको शो नहीं कर रहा ना, मैं आपको बता दूँ कि कैसे आपको ये चीज़ शो करेगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, तो हो सकता है ये सब सारे इवेंट्स आपको शो नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, स्टेड लॉग इन फॉर 12-15 मिनट्स, 15 मिनट आपको लॉग इन करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ एक तो चीज़ मिलेगा, ये है गिफ्ट, इवेंट गिफ्ट बॉक्स। ठीक है, पता नहीं गिफ्ट बॉक्स में क्या है, देख लेंगे। तो टोटल यहाँ पे 6 गिफ्ट बॉक्स आपको फ्री मिलने वाला है। सिंपल सिंपल आपको टाइम रहना है। ठीक है, स्टे लॉग इन फॉर टोटल ऑफ 60 मिनट्स, 1 घंटे तक रहोगे तो आपको 6 टो मिल जाएगा। ठीक है, तो वीकली यहाँ पे नया चीज़ आया है। तो गाइस टॉप 8 में आपको 5 बार टॉप 8 आना पड़ेगा। ठीक है, क्लासिक मोड के अंदर। उसके बाद जो है टॉप 8 आना पड़ेगा 10 टाइम्स, उसके बाद टॉप 8 आना पड़ेगा 15 टाइम्स। ठीक है, तो सिंपल आपको खेलते खेलते रहोगे ना, तो आराम से ये आपको हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ स्टे लॉग इन फॉर 30 मिनट्स वाला एक तो नया इवेंट आया है यहाँ पे, वो स्क्रैप्स मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस अब बात आता है कि ये आपको सबको शो नहीं करेगा। ठीक है, ये जो पुराना अकाउंट है ना, पुराना अकाउंट में शो गलती से भी नहीं करने वाला। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा पूरा नया अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, नया अकाउंट इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि नया अकाउंट नहीं बनाओगे ना तो आपको ये पुराना अकाउंट शो नहीं करेगा। जो कस्टमर केयर बोल रहे थे कि एक उन लोग प्रोग्राम चालू किए थे जिसमें जो पुराने पुराने अकाउंट्स है ना, वो सबको हटा दिए, इवेंट्स हटा दिए। ठीक है, नए अकाउंट में सिर्फ इवेंट शो करेंगे। इसलिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको साउथ कोरिया का कोई भी एक वीपीएन लगाओ, उस वीपीएन से जो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको जो यहाँ पे शो करेगा। फिर से बता दो भाई, साउथ कोरिया एक तो वीपीएन लगाना पड़ेगा, वीपीएन लगाने के बाद आपको नया अकाउंट यहाँ बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही जो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो गाइस एक और चीज़ बताना मैं भूल गया था कि कैसे आप साउथ कोरिया को कनेक्ट करोगे। ठीक है, एक नया अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बता दूँ कि आपको उसके लिए एक सोलो वीपीएन की जरूरत पड़ेगा, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको सिंपल से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर साउथ कोरिया कनेक्ट कर लेना। ठीक है, साउथ कोरिया कनेक्ट करने के बाद जो है एक तो नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, पूरा नया, एकदम नया होना चाहिए, पुराना अकाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस अकाउंट से जो आपको फिर से जो है सारे सारे इवेंट्स हमें शो होने लगेंगे। ठीक है, तो गाइस एक चीज़ बता दूँ कि ये तो इवेंट्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स आने वाले और एनिवर्सरी में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आएगा, तो नया अकाउंट बना लो, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और अगर आप यूसी डल के रॉयल पास ले चुके हो तो अब शायद आप नहीं बनाओगे क्योंकि उसको फिर बेकार हो जाएगा। ठीक है, वो तब मत करना, लेकिन अगर आप फ्री में खेलते हो, अगर आपको कोई इवेंट शो नहीं करता, सिंपल आप गेम्स खेलते हैं, तो अगर इसमें खेलोगे, अगर आप गेम खेलोगे तो बहुत सारे आपको क्रेट्स मिलते रहेंगे, बहुत सारे लेजेंडरी मिथिकल आउटफिट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे इवेंट्स के जो ये डब्बे देख सकते हो, डब्बे टॉय सोल्जर सेट का जो इवेंट आया था, ये मेरा सभी भी डब्बा है, जिसमें ग्लेशियर AKM का सेट है और यहाँ पे मटेरियल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी मिल सकता है, इसलिए गाइस नया अकाउंट बना लो। नया अकाउंट अगर आप पूरा ऐसे ही नॉर्मल खेलते हो, अगर आपका कोई ऐसे ही मतलब ग्लोबल मेन आईडी था, यहाँ पे जस्ट काम चलाने के लिए खेल रहे हो, तो नया अकाउंट बना के साउथ कोरिया से कनेक्ट करना पहले, उसके बाद जो है नया अकाउंट बनाना। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सारा सारा इवेंट शो करने लगेगा। ठीक है, तो यही ये चीज़ मुझे बताने के लिए मैं फिर से थोड़ा सा हल्का सा वीडियो बना दे रहा हूँ, मैं इसको बताना भूल गया था। तो साउथ कोरिया से कनेक्ट करना गाइस, सोलो वीपीएन मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे साउथ कोरिया कनेक्ट करना, कनेक्ट करके डायरेक्ट जो है यहाँ पे तो नया अकाउंट बनाना। ठीक है, नया अकाउंट बनाने के बाद जो है गूगल में आप साइन इन हो जाओगे, फिर साउथ कोरिया इवेंट जो वीपीएन है उसको डिसकनेक्ट कर देगा ना, जो आपको जो है कोरिया में कनेक्ट हो जाएगा, आप एज अ कोरियन खेलोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये था इवेंट। तो यहाँ पे बहुत सारा क्रेड जमा रहा हूँ मैं अभी, जैसे जल्दी क्रेड जम जाएगा ना अच्छा सा, मैं आपको क्रेड ओपनिंग दिखाऊंगा अलग से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस न्यू हो तो, और घंटा भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।